मोरी रामा भला। तो कहानी शुरू होती है खेतों में कैमरा से है? सही मूवी लगाई है ना तूने योगेश? जी हाँ। ओके, जहाँ गोलियों की आवाज आ रही है और स्कॉर्पियो से निकलता है सैम। God damn. I mean सैफ। And then सस्पेंस में छोड़ दिया, ठीक है चलो पास्ट में पता करने की ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। पापा मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाएगा, तेरा तो बाप भी जाएगा। तो कहानी शुरू होती है अपने सैम सैफ से, जो गुंडों से बचने के लिए बारात में घुस जाता है। एंड लड़की वालों की तरफ से जिम्मी शेरदिल इतना फ्रेंडली है कि जी कितना लेंगे, 30 या 60? वाव, 120। गजब की शादी है, ना तिलक ना टीका, सीधा दारू का ठीका। आइटम डांस भी करवा दो ना फिर। इतना फ्रेंडली। एक काम कर, घर वालों का बायोडाटा भी बता दे। ये हैं हमारे छोटे चचा, आखिरी पैस्ता, तिवारी चचा के खास दोस्त फ्रॉम चाइल्डहुड। अबे पागल वागल हो गया है क्या बे? अनजान आदमी को घर के सारे भेद बता दिए। सब जानना है इस बड़वे को। तो सैम सैफ एक राजा इतना हुआ इम्प्रेस कि कर देता है कन्फेस, वाव तेरी ऑनेस्टी ने किया मुझे हैप्पी। तो सच ये है कि मैं हूँ बिन बुलाए बराती। गुरु जब 120 बोला था ना तुमने, तभी शक हो गया था हमें। कहा है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है ना किसी के यहाँ पे, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रहे हैं ये दोनों। इसका मतलब ये दरवल अब यहाँ से कभी नहीं जाएगा। पर तिवारी चचा का खास दोस्त आखिरी पैस्ता पीछे के रास्ता से कर देता है हमला। तो अपना जिमी जस्ट चिल और सैफ जय वीरू की तरह आखिरी पैस्ता को दिखा देते हैं बाहर का रास्ता। अरे वाह, तो तिवारी चचा हो गए इनसे इम्प्रेस। पर यहाँ बड़का गुंडा इज डिप्रेस्ड। कहा है कि अफीम की खेती बढ़ाने का एक ही रास्ता था, तिवारी चचा की मौत। पर आखिरी पास्ता ने उसमें भी हक दिया। ओह माय गॉड, तो का करे बड़का भैया? आपका छुरा और हमारा गड्ढ। अरे पागल उगल हो गया तुम। सिंस ये एक फिक्शनल यूपी है फॉर लीगल reasons, तो सैफ और जिमी जस्ट चिल पे हमला करवा देते हैं, फिर बेलेंगे तिवारी चचा को। बट सैफ पुलिस की फायरिंग से बच के निकल जाता है। और ये यूपी के लोग गोलियों से इतने फैमिलियर हैं कि डर ही नहीं लग रहा, उल्टा ताली बजा रहे हैं। और यहाँ बाइक पे जिमी शेरदिल समझ के गुंडा लोग इसके दोस्त को मार देते हैं, क्योंकि हेमलेट पहना था ना इसलिए कहते हैं हेमलेट पहन लिया करो। तो ये दोनों जाते हैं तिवारी चचा के पास। तो अब का करे तिवारी चचा? बिल्कुल मायला, अरे गुंडा बन जाओ, इतने हैंडसम गुंडा लोग कहाँ मिलते हैं आजकल यूपी में। चचा हम एकदम शरीफ लोग हैं। चीज़ हमारा मतलब थोड़े शरीफ लोग हैं। अच्छा ठीक है, नहीं है शरीफ, पर गुंडा नहीं बनना हमें, मारे जाओगे एक दिन। तो तिवारी चचा इन्हें जेल भिजवा देते हैं, क्योंकि इस फिक्शनल यूपी में जेल ज्यादा सेफ है। He's out of line, but he's right. जहाँ इन्हें मिलता है ईशान अवस्थी का बाप, जो बोलता है देखो तुम्हारे किस्से हो रहे हैं यूपी में फेमस, अभी भी टाइम है गुंडा बन जाओ, वरना बाद में प्लीज डोंट ब्लेम अस। हमें गुंडागर्दी नहीं करनी है सर। I guess you just have to be prepared to die. Fuck! बट वहाँ तिवारी चचा बड़का गुंडा के पास जाके सेटलमेंट करते हैं और बोलते हैं आखिरी पास्ता चाहिए हमको, बदले में तुम अफीम की खेती कर लो। अरे पहले क्यों नहीं बुलाए? ए, आखिरी पास्ता को ठोक दो। आखिरी पास्ता की लाश देख के ही जाएंगे, तिवारी है चूतिया नहीं। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। तो ये इसे कॉमेडी सीन के थ्रू मार देता है। देखो वो पड़ा है। ये कौन सा फिक्शनल यूपी है बे? और यहाँ सैफ की बहन को किसी ने कॉलेज में छेड़ दिया, तो अब गुंडा तो बनना पड़ेगा रे बाबा। फाइनली सिंस ये जेल नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल है और वार्डन इनका बेस्टी है, तो ये ऐसे ही निकल जाते हैं, मतलब बिना कुछ पेपर वर्क, और जाके जंगल में आखिरी पास तक रास्ता रोक के ठोक देते हैं। लो बन गए गुंडे, बड़ा आसान है। अब इन्हें चाहिए पॉलिटिकल सपोर्ट एमपी राज गब्बर का, तो एमपी के राइवल को मार के कर दो ये काम, जो नहीं कर पाया रवि किशन, क्योंकि जेंडर बदल के मजे लूट रहा था ना ये, हे राम। तो अब मिल गया पॉलिटिकल सपोर्ट, तो बड़का गुंडा को रेलवे फाटक पे मार के धूम मचा के तिवारी चचा का बदला लेके लेट्स गो। और बस नाचते नाचते ये बन गए यूपी के बाहुबली, और रास्ते में ग्राफिक आर्टिस्ट को भी उठा लिया। योगेश, अच्छा नहीं नहीं, तो बेशुमार दौलत और इज्जत मिल रही है ना? नो, बिकॉज ये सीक्रेट पॉलिटिकल मीटिंग में फंडिंग देने वाला बैड मैन इनकी इज्जत नहीं करता, और इनको चाहिए इज्जत। भाई इज्जत तो कमाना पड़ता है। तो यहाँ होटल में बैड मैन असली सोना के साथ कर रहा था कास्टिंग काउच। इस फिक्शनल यूपी में सब कुछ कितना कैजुअल है बे। मैं नहीं जानती,
काम मांगने आई थी। अरे चूतिया समझे का? तो ये दोनों बैटमैन को अगवा करके 5 करोड़ ले लेते हैं एंड पैसे मिल गए तो सोनाक्षी के पास कहीं जाने के लिए नहीं है जगह, तो प्लीज हमको भी साथ ले चलो, हमारे पास और कोई नहीं है वजह। अच्छा बहाना है। सब के सब चमड़ी है साले, और बस एक दिन में हुआ बाबू और शोना शुरू। आई लव यू। आई लव यू टू। अबे जिस स्पीड से जा रहे हो ना, बच्चे अगले महीने ही हो जाएंगे तुम्हारे। यहाँ बैटमैन को चाहिए बदला। ओए रवि किशन, रवि राधा, अबे जो भी है सुन, सपोर्ट मिलेगा तुझे पूरा, ठोक दे दोनों को और बन जा यूपी का बाहुबली जो रह गया था अधूरा। ठीक। तो ये दोनों मिलके जिमी शेर दिल का किल बिल कर देते हैं। तो सैफ इज लाइक वाव, अब हमार जिंदगी का एक ही मकसद, जिमी जस्ट चिल की मौत का बदला लेंगे, देखे दस्तक। बीच बाजार में बैटमैन को बैट मौत देके फरार, तो भैया जी अंडरग्राउंड होने के लिए कॉल काटा, चले जाते हैं असली सोना के मायके, बिकॉज बॉलीवुड। मुझसे सेटिंग कर लो बात हुआ फ्रेंड जोन, प्यार नहीं सेक्स चाहिए मुझे देगा कौन। बट पूरे यूपी प्रदेश के पॉलिटिशियंस, उद्योगपति, गुंडा लोग और ईशान अवस्थी का बाप है सैफ से परेशान, और अब एक ही सॉल्यूशन है, गुंडा गर्दी छोड़ देते हैं भाई। अरे मजाक कर रहा हूँ, फट गई सबकी, गुलाब जामुन मुंह में आ गए। सैफ को मरवा दो बे, और उसके लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है हमारे पास, एकदम माल, विद्युत जम्वाल। क्या माल है यार, जो पिछली 150 मूवीज से ये कैची स्टाइल में लोगों को पटक पटक के मार देता है। बट ये है एक ईमानदार पुलिस वाला, वाह काफी रेयर है ये। तो अब सैफ इज बैक इन यूपी, क्योंकि बैटमैन के बाद रवि किशन को भी तो मारना है। तो सैफ इस आर्टिस्ट के यहाँ रुक जाता है, क्योंकि घर पे है डेंजर, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते सिवाय एमपी राज गब्बर। बेटा नेता को सिर्फ पैसा और कुर्सी प्यारी होती है, आदमी लोग से घंटा फर्क पड़ता है इन्हें। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो सैफ रवि किशन को भरे बाजार में दौड़ा दौड़ा के थाए, 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 थाए। मार दिया। एंड विद्युत इज लाइक इंप्रेसिव, और फिर फाइट सीन शुरू। बट सैफ इसकी जान बख्श देता है। You're a good man. Thank you, kind sir. फिर सैफ को पता चलता है कि साला एमपी राज गब्बर ही सांप है, तो अपने फ्रीलांस आर्टिस्ट से मैसेज भिजवाता है कि वाव तू सांप तो मैं नेवला, विद्युत को भेज के गलती की है तूने, पर जाने दे तुझे छोड़ दिया, बिकॉज जा रहा हूँ नई जिंदगी शुरू करने और कभी नहीं लौटूंगा, दिमाग में ये बात भर ले, बाय। तो वेल बैक टू प्रेजेंट, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पे पुलिस लेती है इसे पकड़, पर कहां से मिली इन्हें ये खबर? ओ फ्रीलांस आर्टिस्ट से, सांप को पाल रहा था। तो विद्युत जमाल इसे कर देता है, ओ इसने मारी थी गोली मूवी के स्टार्टिंग में। तो अब सैफ की मौत से होगा यूपी प्रदेश में हंगामा, काहे कि सैफ भैया युद्ध के बाहुबली थे ना। टेंशन मत लो, विद्युत को मरवा के कर देंगे सबको हक्का बक्का। बट प्लॉट ट्विस्ट, सैफ को पता चल गया था कि साला फ्रीलांस आर्टिस्ट पिक गया था, और वो लोग विद्युत को भी आरआईपी इन पीस कर देंगे। तो ये विद्युत के साथ सिनेमा हॉल में फेक एनकाउंटर की प्लानिंग पहले ही कर लेता है। ओ फक, ये पिक्चर है यार राजनीति, कितना हगा यार इन्होंने। तो बस सबको बेवकूफ बना के ये तीनों बाय बाय और मूवी खत्म है। एक मिनट, क्या आगे क्या हुआ? पर पार्ट टू भी आएगा क्या? आई नीड आंसर्स। वैसे 8 साल तो हो गए, पता नहीं क्या ही हुआ होगा आगे। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? लौड़ा का सरकार है। फिक्शनल यूपी में सब कुछ नॉर्मल है, शादी में घुसना, जेल में जाना, एक दिन में सच्चा प्यार हो जाना, गोलियां तो जुबान की तरह चलती है यहाँ पे, और पॉलिटिशियंस ही तो चलाते हैं पूरी यूपी को। ये फिक्शन है या रियलिटी? चलो छोड़ो, अगली वीडियो में मिलते हैं, पर जाने से पहले सब्सक्राइब करोगे तो ही नई वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। आए बड़े, पिक्चर पूरी देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना किसी को भी, अब बंद मत करना वीडियो, गाना सुन के जाना। चलो बाय। लिखा दो इसकी ओवर एक्टिंग, देखो इसकी कास्टिंग करने से पहले मारी थी बोतल विस्की, टैलेंटेड सारे किसको अब चांस मिलेगा इसको, मूवी देखते ही आवाज दिल से आती, एक्टिंग सिखाओ इसको acting sikhao isko acting sikhao isko acting sikhao isko acting
सिखाओ इसको एक्टिंग सिखाओ इसको एक्टिंग सिखाओ इसको एक्टिंग सिखाओ।